हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि गेंदे के फूल से हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, गेंदा का फूल ये बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार होता है, लेकिन इससे हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ना सिर्फ हम गेंदे के फूल से बल्कि इसके पत्तों, बीजों और जड़ों से भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, गेंदे का फूल पीले रंग का या लाल रंग का होता है। गेंदे का पौधा 80 से 120 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके पत्ते 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना जाता है। हम सब गेंदे को सिर्फ एक फूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इससे बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका उपयोग नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि अगर आपके कानों में दर्द है तो आप गेंदे के पत्तों का रस कान में डालें, ऐसे में आपके कानों का दर्द बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। साथ ही इससे आपके कान की सफाई भी हो जाएगी। अगर आपके आंखों में दर्द है, जलन है या खुजली है, तो इसके लिए आप गेंदे के पत्तों का पेस्ट बनाकर आंखों के ऊपर या आंखों के चारों ओर लगा लें। ऐसे करने से भी आपको आंखों की दर्द और खुजली से राहत मिलेगी। साथ ही अगर आपके आंखों की रोशनी कम है तो ये आपके आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। अगर आपको दाद या खुजली की समस्या है तो आप गेंदे के फूल का रस दिन में 2 से 3 बार दाद या खुजली वाले एरिया में लगाएं। इसके लगाने से आप दाद और खुजली से बहुत जल्द आराम पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या मोच आ जाती है या फिर आपके शरीर में कहीं भी सूजन होती है, तो इसके लिए आप पंचांग यानी फूल, पत्ते, बीज, जड़ और तनों को एक साथ पीस कर इसका रस निकाल लें। अब इस रस से चोट या मोच वाले जगह पे या सूजन वाले जगह पे दिन में 2 से 3 बार अगर इसका मसाज करते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको दमा या खांसी की समस्या है तो आप गेंदे के बीज को और उतने ही मात्रा में मिश्री को मिलाकर चूर्ण यानी कि पाउडर बना लें। अब पानी के साथ इसका सेवन दिन में करीब 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से आपको दमा और खांसी से छुटकारा मिलता है। अगर आपको फोड़े या फुंसी या घाव की समस्या है, अगर आपके शरीर में फोड़े फुंसी हो गए हैं या फिर घाव हो गया है, तो इसके लिए आप गेंदा के फूलों के पंखुड़ियों का पेस्ट बना लें और इसे फोड़े या फुंसी के ऊपर या घाव के ऊपर लगाकर छोड़ दें करीब आधे घंटे के लिए, या फिर आप इसे लंबे समय के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसके निरंतर 4 से 5 इस्तेमाल से, यानी अगर 4 से 5 बार आप पूरे दिन में करीब 5 दिनों तक के लिए करते हैं, तो आपको घाव और फोड़े फुंसी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप गेंदा के फूलों की पंखुड़ी 10 ग्राम को घी में पकाकर 3 बार खाते हैं, यानी पूरे दिन में इसका सेवन 3 बार करते हैं, तो आप बवासीर से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, गेंदे के फूल के पंखुड़ियों के 10 ग्राम और 2 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर अगर आप रोजाना गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो इससे भी आपको खूनी बवासीर से छुटकारा मिलता है। अगर आप इसके पत्ते का रस रोजाना 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर और गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं, तो इससे आपको बवासीर से जल्द छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर हम इसके जड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गेंदे के पौधे का जड़ इस्तेमाल करते हैं यानी जड़ का चूर्ण बनाकर रोजाना गुनगुने पानी के साथ पीते हैं, तो इससे आपको बवासीर की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और ये जड़ से खत्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों, ये फूल यानी गेंदे का फूल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ घर को सजाने और पूजा के लिए बल्कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का भी काम करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी
और आप आज से ही गेंदे के फूल से और इसके बीज, पत्तों और जड़ों का इस्तेमाल करके अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और जिएंगे निरोग जिंदगी व स्वस्थ जिंदगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।